नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि पर चल रही शनि की 7.5 का पहले चरण का बचा हुआ समय कैसा रहने वाला है, दूसरा चरण कैसा रहेगा और तीसरा चरण कैसा बीतने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। अब यहां पर समझिए कि सभी मीन राशि वालों की शनि की 7.5 एक जैसी नहीं रहेगी। किसी की बहुत अच्छी रहेगी, किसी की सामान्य 7.5 रहेगी और किसी की बहुत ज्यादा खराब शनि की 7.5 बीतने वाली है। इनमें से आपकी शनि की 7.5 कैसी रहने वाली है, ये आप कैसे समझेंगे, अनुभव के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपकी शनि की 7.5 कैसी बीतने वाली है और क्या क्या आपको लाभ देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि जनवरी 2023 को मीन राशि वालों की शनि की 7.5 प्रारंभ हुई। अब जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक यदि शनि की 7.5 का प्रभाव बहुत ज्यादा खराब रहा है तो समझ जाइए कि शनि की 7.5 का प्रभाव पूरे 7.5 साल तक कहीं ना कहीं आपको परेशान करने का काम करेगा। यदि जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का समय आपका सामान्य बीता है, ना ज्यादा खराब रहा है और ना ज्यादा अच्छा रहा है, मीडियम रहा है, तो समझ जाइए कि शनि की 7.5 अंतिम पीरियड पर तीसरे चरण पर आपको लाभ दे करके और दूसरे चरण पर आपको लाभ दे करके जाएगी। जिन लोगों का समय बहुत ज्यादा अच्छा रहा, जब से शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है, कैरियर बहुत अच्छा रहा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा, हर चीज में सफलताएं मिली, समझ जाइए कि शनि की 7.5 आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली और ये आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है। क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। शनि धन के मामले में, कैरियर के मामले में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी देने का काम करता है, लेकिन यही शनि कैरियर में और जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी भी पैदा करने का काम करता है। शनि न्याय करता है, कर्म फल दाता है और इसीलिए यदि आपके कर्म अच्छे हैं और पिछले जन्म के भी कर्म अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छा है और आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। अब यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो समझ जाइए कि पूरी शनि की 7.5 आपकी बहुत ही शानदार बीतने वाली है। और यदि आपकी कुंडली में शनि मारक हैं, पाप राशि में बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ प्रभावित हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, तो समझ जाइए कि ये शनि की 7.5 कहीं ना कहीं आपको परेशान करने का काम करेगी। अब जैसे कि आपने जाना कि जनवरी 2023 से 2024 अक्टूबर तक का समय जैसा भी आपका बीता हो, उसी के आधार पर पूरी शनि की 7.5 आपकी रहने वाली है। अब जिन लोगों का समय 2024 जून के महीने से खराब होना प्रारंभ हुआ है, कई लोगों का समय जून के महीने से, मई के महीने से 2024 में समय खराब होना प्रारंभ हुआ है, उन लोगों का समय नवंबर तक खराब रहेगा और नवंबर के बाद उन लोगों का समय जो है बेहतर होना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 2025 जून तक समय अच्छा रहेगा। क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो समझ जाइए कि जून के महीने से 15 नवंबर तक जो है शनि वक्री रहेंगे तो आपको परेशान करने का काम करेंगे, 15 नवंबर के बाद आपका समय बेहतर हो जाएगा। और जिन लोगों को जून के महीने से अच्छी ग्रोथ मिली, नौकरी मिल गई, कारोबार बढ़िया चल रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया है, उन लोगों को समझ जाइए कि पूरा वर्ष बहुत शानदार बीतने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जिन लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी पहले से वक्री है, वक्री होकर के मारक भी है,
पाप ग्रह से प्रभावित है या नीच राशि में है तो उनका समय खराब रहेगा। उन लोगों को सावधानी रखना चाहिए और उपाय करना चाहिए। तो उपाय भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या आपको उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि शनि की साढ़े साती का नवंबर से लेकर के मार्च 2025 तक का जो समय है ये कैसा बीतने वाला है। यदि बात करें शनि ग्रह के बारे में तो शनि जो है मीन राशि के अनुसार से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का और हर प्रकार के चीजों का नुकसान का होता है, कोर्ट कचहरी का, व्याधियों का, परेशानियों का, ये भाव माना जाता है। यहां पर जब भी शनि का गोचर होता है तो शनि सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ित करने का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि हेल्थ खराब रहती है। तीसरी बात यह है कि पैसा जो है सबसे ज्यादा व्यय होता है, एक से बढ़ के एक खर्चे जो है तैयार होते रहते हैं, आय कम हो रही है, कई लोगों की नौकरी चली जाती, कई लोगों का व्यापार चला जाता है। ऐसी स्थितियां जो है शनि की साढ़े साती में पहला चरण जो है बीतता है यदि शनि खराब स्थिति में है तो। और शनि की साढ़े साती का पहला चरण सबसे ज्यादा कठिन होता है, दुखी होता है, परेशानियों वाला होता है। ये साढ़े साती पहले चरण का समय जो है 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। जिनकी साढ़े साती खराब चल रही है उनका समय जो है समझ जाइए पहला चरण में जो है खराब परिणाम जो है मिलने वाले, और ये खराब परिणाम 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि आपकी राशि मीन राशि में आ जाएंगे तब यहां पर कुछ राहत देते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत करवाते हैं। ये उन्हीं लोगों को संघर्ष करवाते हैं जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति खराब है और पहला चरण बुरा बीता है। जिन लोगों का पहला चरण बहुत अच्छा बीता है दूसरा चरण भी बहुत अच्छा बीतने वाला है और तीसरा चरण तो बहुत लाभदायक होने वाला है, लेकिन जिन लोगों का पहला चरण खराब हुआ है उन लोगों को थोड़ी सी राहत दूसरे चरण में मिलने वाली है। दूसरे चरण में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है, संघर्ष बहुत ज्यादा करना है, संघर्ष करवाएंगे और कुछ फल भी देने का काम करेंगे, लेकिन मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहेगा, आलस्य बहुत ज्यादा आएगी, काम करने का मन नहीं होगा और धन हानि, स्वास्थ्य में दिक्कत, अपनों से धोखा मिलना, पैसा कहीं फंस जाना, कर्जा चढ़ जाना, ये परेशानियां दूसरे चरण में भी देखने को मिलेगी और ये परेशानियां बनी रहेगी। यहां पर आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना है, 29 मार्च 2025 से आपको थोड़ी सावधानी भी रखना है, सही रास्ते पर आपको चलना है और शनि के उपाय भी करने हैं, साथ ही साथ शराब का प्रयोग नहीं करना, मांस का प्रयोग नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, किसी की आत्मा दुखाना नहीं, किसी का धन नहीं हड़पना, गलत मार्गों से आपको बचना चाहिए, गलत संगत से आपको बचना चाहिए और गलत चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपकी शनि के साढ़े साती का पहला चरण खराब निकला है तो दूसरे चरण में आपको सतर्क रहना चाहिए और आपको कर्म करना चाहिए, क्योंकि दूसरा चरण कर्म के लिए ही बना है, मेहनत के लिए ही बना है। यदि आपने आलस्य किया, काम को टालने का प्रयास किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जो है मेहनत कर्म करना जो है दूसरे चरण में बहुत जरूरी है। दूसरा चरण ज्यादा दिक्कत तो नहीं देता लेकिन परेशानियां साथ साथ चलेंगी ही चलेंगी। अब आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है, सफलताएं कम आपको मिलेगी। 100% मेहनत करोगे तो 50% आपको सफलता मिलेगी और 50% ये समझिए कि आपका समय व्यर्थ जाएगा। रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी, हर काम में डिले होगा, कोई भी काम जो है आपका तुरंत नहीं होगा, जो 2 दिन का काम है वो महीनों लग जाएंगे, इसलिए जो है दूसरे चरण में आपको संघर्ष ही करना है। तीसरा चरण जैसे ही प्रारंभ होगा ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है और तीसरा चरण 2030 तक रहेगा, जो कि जो आपने खोया है, जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने संघर्ष किया है उसका फल जो है आपको तीसरे चरण में मिलने वाला है। अब यहां पर आप समझ लीजिए कि पहला चरण जैसा आपका बीता है उसी के अनुसार से आपको तीसरे चरण में फल मिलने वाले हैं। पहला चरण यदि सबसे बढ़िया बीता है तो तीसरा चरण सबसे अच्छा रहने वाला है, पहला चरण यदि सबसे ज्यादा खराब रहा है तो दूसरा थोड़ा सा सामान्य रहेगा और तीसरा थोड़ा अच्छा रहेगा। जिन लोगों का पहला चरण सामान्य बीता है उसका दूसरा चरण थोड़ा सा बढ़िया रहेगा और तीसरा चरण और बढ़िया रहेगा।
इस प्रकार से जो है आपको फल देखने को मिलेंगे। और यदि आप कुंडली में ये जानते हैं कि शनि की स्थिति आपके लिए कैसी है, उसी के अनुसार जो है आप फल देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको फल मिलने वाले हैं। यदि धर्म के साथ आप चलोगे, यदि आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, गलत चीजों से दूर रहोगे, तो कितनी खराब शनि की साढ़े साथी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको मौके मिलेंगे। हालांकि पूरा समय आपका अच्छा नहीं बीतेगा, लेकिन बीच बीच में आपका ऐसा समय जाएगा महीने दो महीने के लिए जो पूरे समय को कवर कर लेगा और आपकी बुरी स्थिति को जो है सुधारने का काम करेगा। इसलिए जो है आपको सही मार्ग पर चलना है। आप शनि जो है आपके लगन भाव में आ जाएंगे, जैसे ही लगन भाव में आएंगे 29 मार्च 2025 को, तो थोड़ा आलस से ज्यादा देने का काम करेंगे और विलंब करेंगे, हर काम में विलंब करेंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण ज्यादा संघर्ष करवाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो संघर्ष का होता है, मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, इसलिए ज्यादा मेहनत करवाने का काम करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण पत्नी के साथ संबंध आपको अच्छे रखने चाहिए 29 मार्च 2025 के बाद, क्योंकि शनि पूर्ण रूप से जो है सप्तम भाव को देखेंगे। और व्यापार पर आपको फोकस करना चाहिए, पार्टनरशिप को मजबूत करके आपको चलना चाहिए, कितनी भी सिचुएशन आपकी खराब हो जाए धैर्य बना करके आपको चलना है। शनि के भाग्य भाव में दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ कम मिलेगा। यदि शनि की स्थिति खराब है तो रुकावटें आएंगी, जो काम दो दिन का है वो 10 दिन में होगा, इसलिए जो है आपको निराश नहीं होना है, सफलताएं आपको जरूर मिलेंगी। जब शनि आपके धन भाव में आ जाएंगे, मतलब मेष राशि में आ जाएंगे, और शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, तो तीसरे चरण में शनि धन देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, रुका हुआ धन वापस लाएंगे, कैरियर में ग्रोथ देंगे, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, और तीसरा चरण आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। लेकिन मीन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो शनि की साढ़े साथी ज्यादा खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शनि जो है गुरु के घर में गोचर करेंगे और गुरु के साथ ज्यादा शत्रुता नहीं रखते हैं शनि, इसी कारण से मीन राशि वालों के लिए ज्यादा कष्टदायी समय नहीं रहने वाला है। लेकिन फिर भी यदि समय आपका खराब चल रहा है तो आपको उपाय पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे शनि धन भाव में गोचर करेंगे तो कुटुंब परिवार की स्थिति को भी सुधारेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके चौथे भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में रुकावटें जरूर देखने को मिलेंगी। वही शनि के अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण जो पिछले रुके हुए आपके काम थे, अटके हुए काम थे, वो भी जो है शनि कहीं ना कहीं जो है विलंब करवाने का काम करेंगे और ज्यादा डिले करने का काम करेंगे, लेकिन डिले के साथ साथ काम को करवाएंगे। शनि की यदि देखें दशम दृष्टि के बारे में, तो शनि की लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण धन तो देंगे, पराक्रम करवाएंगे, लेकिन मेहनत करवाएंगे और अचानक धन लाभ देने का काम भी करेंगे। जो आपने खोया है, जो आपने परिश्रम किया है, उसका फल देने का काम जो है तीसरे चरण में करने वाले। तो यहां पर आपको यह समझना है कि शनि की साढ़े साथी से आपको घबराना नहीं है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है, कर्म करना है, और शनि वैसे भी मीन राशि वालों को ज्यादा परेशान नहीं करते। अब मीन राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? यदि हम मीन राशि वालों के लिए उपाय के बारे में बात करें तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे शनि और बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और दोनों ही ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे। विष्णु सहस्त्र नाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं कितना भी खराब ग्रह होगा शनि आपको अच्छे ही परिणाम देने का काम करेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। बस ये आपको उपाय करना है। ये उपाय यदि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपाय जो है ये संस्कृत में आपको पाठ करना है, संस्कृत में आपको समझ में नहीं आ रही है, तो YouTube में सर्च करके 2-4 बार आप मिला लीजिए, 10 बार मिला लीजिए, उसके बाद जो है प्रारंभ करिए, या फिर जो है अधिकतर पीपल के पौधे लगाना प्रारंभ करिए। पीपल के पौधों को लगा करके सेवा करिए, उनको बड़ा करने का प्रयास करिए।
जिस प्रकार पीपल के पौधे बड़े होते जाएंगे उसी प्रकार जो है आपके जीवन में भी ग्रोथ मिलेगी। पीपल के पौधे ग्रोथ करेंगे तो आपके जीवन में भी ग्रोथ होगी, आपके कैरियर में भी ग्रोथ होगी। पीपल की सेवा करिए, पीपल की पूजा करिए, दीपक लगाइए और परिक्रमा करिए। ये भी यदि आप करते हैं तो भी शनि की साढ़े साथी कितने भी खराब हो आपको जो है लाभ जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सब उपाय है ये नियम से किए जाते हैं, एक फिक्स टाइम पर किए जाते हैं। ये जो उपाय आपको करना है सुबह 7 बजे से पहले करना है। ये यदि आप करते हैं, जैसे पीपल की पूजा करना, ये 7 बजे से पहले करते हैं तो जो है बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेगा। सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य नहा धोकर के सूर्य को जल दीजिए, इसके बाद पीपल को जल चढ़ाइए, दीपक लगाइए, परिक्रमा करिए। उसके बाद जो है आप हो सके यदि आपके पास समय है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जिससे बेहतर लाभ आपको देखने को मिलने वाले। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।